बंगाल चुनाव में थम गया पांचवें चरण का प्रचार, आखिरी दिन नेताओं ने दिखाया पूरा दम, 17 अप्रैल को होगी 45 सीटों पर वोटिंग। यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग जारी, 779 पदों के लिए 11,442 उम्मीदवार मैदान में, सीएम योगी और सोनिया गांधी के गढ़ में भी हो रही है वोटिंग। आज भारतीय वायुसेना के कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सैन्य संचालन की तैयारियों का होगा मंथन, भारतीय वायुसेना को अपने विरोधियों पर मिलेगी अहम बढ़त। किसान आंदोलन होगा और तेज, चुनावी सरगर्मियों के बीच आज बंगाल की यात्रा करेंगे किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों के साथ मिलकर करेंगे बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। राजस्थान में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन आज, भीलवाड़ा, राजसमंद और चुरू जिले में होगा 17 अप्रैल को मतदान, दांव पर लगी बीजेपी और कांग्रेस की दांव। बिहार में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश से बढ़ी हलचल, कभी भी हो सकती है तारीखों की घोषणा, ईवीएम से जुड़े विवाद पर निकलेगा समाधान। देश में टूटा महामारी का रिकॉर्ड, 2 लाख के करीब नए केस, महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरा। आज से अमरनाथ की यात्रा के लिए श्रद्धालु करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, 28 जून से शुरू होगी यात्रा, 56 दिन की यात्रा के लिए अब तक 20,000 से ज्यादा यात्री करा चुके हैं पंजीकरण। दिल्ली में बादलों और सूरज के बीच चल रही है आंख मिचौली, गर्मी से मिलेगी राहत, 2 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। 12 साल बाद आईपीएल में अपने शुरुआती 2 मैच जीती आरसीबी, आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रनों से हराया, शाहबाज ने 3 विकेट चटकाए। कश्मीर मुद्दे पर दुबई में हुई थी भारत और पाकिस्तान की बैठक, एक रिपोर्ट में दावा, रॉ और आईएसआई के अधिकारी भी हुए थे शामिल। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने भारत दौरे को किया छोटा, 26 अप्रैल को भारत आने वाले हैं बोरिस जॉनसन, कोरोना की वजह से लिया फैसला। लंदन के बकिंघम पैलेस के पास कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा व्यक्ति गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर भी खूब शेयर हो रही है तस्वीर। तुर्की को चीन की कोरोना वैक्सीन पर भरोसा करना पड़ा भारी, एक दिन में आए रिकॉर्ड 59,000 केस, 50% से भी कम प्रभाव के बावजूद चीनी वैक्सीन को मंजूरी दी। पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने मचाया कोहराम, पीएम इमरान खान की पूर्व पत्नी ने दुनिया को दिखाई बर्बादी की तस्वीरें, पाकिस्तान में नहीं संभल रही स्थिति। शेयर बाजार पर महामारी का असर, सेंसेक्स 86 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 48,655 पर खुला, निफ्टी में भी हल्की बढ़त। नए डिप्टी गवर्नर पद के लिए आज होंगे इंटरव्यू, 2 अप्रैल को खत्म हुआ था वरिष्ठतम डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो का कार्यकाल। घरेलू बाजार में आज दोनों ईंधन के दाम में हुई कमी, आज पेट्रोल हुआ प्रति लीटर 16 पैसे सस्ता, गुरुवार को डीजल भी हुआ था 14 पैसे प्रति लीटर सस्ता। नोएडा में अडानी एंटरप्राइजेस भी लगाएगा उद्योग, मिलेगा 48,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार, 12 अन्य कंपनियों को भी नोएडा में औद्योगिक प्लॉट आवंटित। और दिल्ली से बिहार के लिए चलेंगी 3 समर स्पेशल ट्रेनें, भागलपुर, गया और राजगीर के लिए चलाई जा रही हैं ट्रेनें, नई दिल्ली राजगीर समर स्पेशल 16 अप्रैल को नई दिल्ली से चलेगी।